अदर जय जिसु जय सुन उसका ऊपर ये अदर के साथ ये दूसरा वीडियो है, और जैसे कि इस वीडियो को जो लोग देखते हैं फादर का, फादर अल्बर्ट केस का वीडियो, सब कोई जानते हैं उनके बारे में। और वे हमारे धीरपानी पारिस के पारिस्परिक हिसाब में बहुत एक्टिव हैं, और वो बहुत पंचुअल हैं, उनका टाइमिंग बहुत सही रहता है, तो वो हम लोग के लिए बहुत सीखने का बात होता है। तो उनका ज्ञान तो है ही, तो इसी क्रम में हम आज पस्का धर्म विधि के ऊपर कुछ जानना चाहते हैं, और फादर से इसी पास्का का धर्म विधि जो नाइट विजिट के दौरान पब को मैंने पालन किया जाता है, तो उसके बारे में फादर से हम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो फादर हम लोग को ये बताइए कि पास्का जागरण का अर्थ क्या है और इसको क्यों हम लोग करते हैं। जागरण चाहे विजिल हमारे धर्म विधि में है, हम लोग विशेष विशेष समय में जागरण करते हुए अपने को सतर्क रखते हुए हम लोग जो पर्व है उसको हम लोग मनाते हैं। तो पास्का जागरण एक है, हम लोग मिडनाइट के पहले से हम लोग जागरण रहकर, जागृत रहकर, चाहे बिना सोए रहकर हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। इसलिए इस जागरण का समय में होता है, और जागरण का अर्थ हम लोग यही समझेंगे कि विशेष घटना के लिए रात का समय चाहे जागरण रात का करना एक पवित्र चीज है। और ये भी है कि मिडनाइट के बाद में अलग दिन शुरू हो जाता है और उसका अलग हिसाब होता है। इसलिए जागरण एक धार्मिक सोच चाहे धार्मिक अर्थ के साथ में हम लोग इसको जोड़ देते हैं, और ये हमारे लिए कहेंगे पुण्य समय होता है। इसलिए क्रिसमस में चाहे ईस्टर में, पस्का पर्व में इसे हम लोग जगह रखते हैं, और दूसरे दूसरे समय में भी जैसे करिश्माई ग्रुप वाले भी कभी कभी जागरण रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और इसे हम लोग कोई भी अवसर में हम लोग जागरण रखते हुए धर्म विधि में भाग लेते हैं। फादर हम लोग का जो जनरल दिन होली मास होता है वो सवा घंटा डेढ़ घंटा में ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये जो पास्का का मिसा होता है जो नाइट विजिल या जागरण हिसाब में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो ये बहुत लंबी होती है, तो इसमें बहुत सारे धर्म विधियाँ होती हैं, तो कृपया सारे धर्म विधियाँ ऊपर आप हम लोग को अवगत कराएं। पास्का का जो धर्म विधि है जरूर ये लंबा होता है, और इसको साधारणतः हम लोग चार भाग में बांटते हैं। पहला भाग में हम लोग आग का आशीष, नया आग का आशीष और ज्योति गुणगान कहते हैं। तो इसमें हम लोग ईश्वर का सृष्टि में आग हम लोग के लिए बुराई को नष्ट करते हैं, और उसी से नया जीवन भी हम लोग पाते हैं, और उसी नया आग से हम लोग पास्का मोमबत्ती बनाया हुआ रहता है, उसमें अभी प्रेजेंट समय का साल लिखा हुआ रहता है, फिर अल्फा और ओमेगा जो यीशु क्राइस्ट का प्रतीक है, और यीशु क्राइस्ट का पांच घावों का चिन्ह छोटा छोटा कांटों से भी उसको सजाया रहता है। तो ये जो ज्योति गुणगान भी गाते हैं, ज्योति गुणगान है यीशु क्राइस्ट का जीव उठने का घटना को गीत आकार में समारोह के साथ में गाया जाता है, जो मुक्ति का इतिहास को कहेंगे और एक बार हम लोग को याद दिलाती है। तो ये पहला भाग है जो आकाशिस और ज्योति गुणगान। दूसरा में हम लोग वचन सुनते हैं, वचन हम लोग पुराना नियम से नया नियम से वचन की विधि चाहे वचन का समारोह कहेंगे। तो इसमें इसराइली लोग कैसे फराओ राजा का गुलामी से
मिस्र देश से वे छुटकारा पाए। इसलिए निर्गमन ग्रंथ का 14 अध्याय हम लोग को पढ़ना चाहे सुनाना अनिवार्य होता है धर्म विधि में। उसी अध्याय में हम लोग सुनते हैं कैसे इसराइली लोग गुलामी से लाल सागर पार करते हुए वे प्रतिज्ञा का देश आए, उसके बारे में हम लोग सुनते हैं। तो इसलिए ये है, उसके साथ साथ में दूसरे पाठ भी है, पुराना नियम से 3 चाहे 4 पाठ लिया जाता है, नया नियम से 2 रहता है, एक संपर्क उसका चिट्ठी से और सुसमाचार से। ऐसे ही बच्चन का माध्यम से हम लोग सुनते हैं, जानकारी लेते हैं कैसे प्रभु का मुक्ति का योजना पूरा हुआ जो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, और उसको हम लोग सुनते हैं, घोषणा किया जाता है और हम लोग विश्वास के साथ में उसको सुनते हैं, और पुरोहित उसका व्याख्या सभी लोगों के लिए कैसे हो सकता है उसके बारे में उद्देश्य में बताते हैं। तो दूसरा रहा वचन विधि। तीसरा कहेंगे हम लोग का जो पानी का चिन्ह है, तो उसमें हम लोग जो लोग स्नान लेते हैं उनको हम लोग धर्म विधि में पानी का आशीष देते हैं। ये पानी आशीष, पानी विशेष आशीष दिया हुआ रहता है, इसलिए इस पानी को लोगों के ऊपर भी छिटकाया जाता है। एक शुद्धिकरण का चिन्ह है, पवित्र होने का चिन्ह है, और इसी पानी से भी जो लोग स्नान लेते हैं यदि हैं कोई तो उनको भी स्नान संस्कार दिया जाता है। चौथा है हमारे मिसा बलिदान। चौथा बार में हम लोग नॉर्मल चाहे साधारण तौर से जैसे मिसा करते हैं चढ़ावा के साथ में, वैसे ही मिसा होता है। और मिसा में हम लोग उसी घटना को याद करते हैं, इसलिए हर एक मिसा में हम लोग दुहराते हैं, घोषणा करते हैं, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। और एक जानकारी ये भी है, मिसा के दौरान रोहित आलेलुया को बहुत सोलेम हिसाब से, समारोह हिसाब से गाते हैं, तो आलेलुया गान भी एक महत्वपूर्ण रीति है। ये सब कहेंगे 4 विधि है जिसको प्राप्त अनुसार करते हैं, और ये समय लेता है लेकिन बहुत ही सुंदर है रात को ऐसा करते हुए। तो मैं सोचता हूँ इतना अभी के लिए शोर में काफ़ी है। कोई भी बड़े समारोह या कोई भी पार्क में कुछ ना कुछ शिक्षा सबके लिए होती है। जो मूल आधार होता है वो समारोह का या पार्क का, तो पस्का पार्क में हम लोग को सब विश्वासी लोगों को साधारणतः क्या शिक्षा मिलती है। शिक्षा के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे यहूदी लोग गुलामी से छुटकारा पाकर एक स्वाधीन चाहे फ्री पीपल चाहे समुदाय बन गए, वैसे ही हम लोग देखते हैं यीशु ख्रीस्त का जीवन में भी वे इस धरती से कहेंगे स्वर्ग में मृत्यु और उत्थान के जरिए से पार हुए, पास ओवर का एक्शन उनमें भी देखते हैं। और हमारे जीवन में अर्थात विश्वासियों का जीवन में उसी चीज को हम लोग देख सकते हैं। आध्यात्मिक तौर से हम लोग उसको विश्लेषण करेंगे तो हम लोग पापमय जीवन, चाहे कभी कभी हम लोग नहीं कर पाते हैं इसलिए हम लोग पापमय जीवन करते हैं, पापमय जीवन से पुण्य का जीवन की ओर बढ़ना, अर्थात दूसरे भाषा में संत पौलुस का भाषा में हम लोग कहते हैं पाप का जीवन में मर जाना और कहेंगे पुण्य का जीवन को अपनाना, टू डाई इन टू सिन एंड टू राइज इन क्राइस्ट, अर्थात क्राइस्ट चाहे जीसस का शिक्षा से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को चलाना। तो इसी हम लोग शिक्षा के तौर से हम लोग 3 लेवल में देख सकते हैं, यहूदियों का पस्का पर, यीशु ख्रीस्त का पस्का और हम लोग का पस्का। इसलिए हम लोग का इस पस्का पर में मूल शिक्षा ही है यीशु को अपना पुनर्जीवित मुक्तिदाता हिसाब से ग्रहण करना, और क्रिश्चियन जीवन में पाप का जीवन में मार जाना, और
पुण्य का जीवन में, अच्छे जीवन में हम लोग को पुनरुत्थित होना। तो मैं सोचता हूँ इतना जो मेन पॉइंट है इसी में होता है। और ये पास्का पर्व हमारे धर्म विधि के अनुसार काफी तरीके में सबसे बड़ा पर्व है। जब अभी हम लोग धर्म पर्व में ज्यादा खुशी मनाते हैं, लेकिन पास्का पर्व जो है विधि के अनुसार में हम लोग के लिए मुख्य और बड़ा पर्व है। फादर, जिसे लेंट या तो भोग 40 दिन का होता है, तो ईस्टर समय कब तक रहता है? ईस्टर समय जो पुनर्उत्थान का रविवार चाहे ईस्टर से लेकर पेंतेकोस्त पाप तक, पेंतेकोस्त पाप होने से 50 दिन के बाद में कहेंगे प्रेतों के ऊपर उस समय में और दूसरे के ऊपर भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला, उसको हम लोग पेंतेकोस्त पाप कहते हैं। और उसका पहले यीशु ख्रीस्त 40 दिन के बाद में स्वर्ग आरोहित किए गए, इसलिए हम लोग स्वर्गवान पर्व मनाते हैं 40 दिन के बाद में। और 50 दिन में होता है पेंतेकोस्त पर्व, पवित्र आत्मा का उतरने का पर्व, और उसी के साथ में ये पस्का अवधि चाहे पस्का समय अंत होता है। तो इसे हम लोग समझेंगे। धन्यवाद। फादर, आप बोले कि प्रभु यीशु ख्रीस्त 40 दिन के बाद स्वर्ग चले गए, तो कलीसिया में हम लोग जो पर्व मनाते हैं, स्वर्ग्रहण पर्व भी मनाते हैं, तो वो खुशी का माहौल है। लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ में आप देखेंगे, मान के चलिए कि बेटी लोग घर छोड़ के शादी होके चले जाते हैं अपने नया घर, तो बहुत दुखद होता है। तो ऐसे जैसे कि शिष्य लोग को छोड़ के प्रभु यीशु ख्रिस्त छोड़ के चले जा रहे हैं, तो शिष्य लोग के लिए ये काफ़ी दुखद जरूर है। कारण ये दुख को प्रभु यीशु भी प्रकट करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम लोग को अनाथ छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा को उचित समय में भेजूंगा। तो आपका जो है ये जो स्वर्ग्रहण पर को आप दुख या सुख किस हिसाब से देखते हैं? वैसे बोले से तो स्वर्ग्रहण पर एक हिसाब से यीशु ख्रीस्त का मुक्ति योजना में उसी हिसाब से हो रहा है, लेकिन जरूर मानवीय ढंग से देखने से शिष्यों को दुख लगा होगा। कारण कि जिनके साथ वो 3 साल तक थे अपने गुरु मानकर के साथ में रहते थे, तो उनका चले जाने से तो कुछ हिसाब से उनको दुख लगा होगा, लेकिन उससे बढ़कर उनका जो पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार वो कर रहे थे उसके अनुसार वे स्वर्ग लौट जाते हैं, स्वर्ग आरोहित होते हैं, असेंसर ही असेंडेड टू हेवन। तो इसलिए उनका उद्देश्य जो था चाहे उनका जो मतलब था वो पूरा होता है। तो इसलिए शिष्यों को दुख होगा, लेकिन अभी हम विश्वासी लोगों के लिए एक तो प्रमाण हो जाता है कि वे स्वर्ग आरोहित किए गए, और ये हमारे लिए एक तो विश्वास का बड़ा पार भी है। इसलिए हम लोग दोनों को जोड़ तीनों को जोड़ देंगे, जी उठना, स्वर्ग जाना और पवित्रात्मा का आना उतरना। तो कर्म के वे अनाथ नहीं छोड़े, उनके लिए दूसरा ध्यान को भेजें, वो है पवित्रात्मा जो उनको मदद करेंगे, इसे हम लोग समझेंगे। तो फादर, ये सभी आप जो जो प्रदान किए पस्का पार्क पस्का विधि पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको जय जीशु कहते हैं। तथा इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, सबों को जय जीशु और हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर। धन्यवाद।